आरोपी ने बालक की गला घोटकर की थी हत्या, गुत्थी सुलझी। मनिया पुलिस ने गुड़गांव हरियाणा से गिरफ्तार किया हत्या का आरोपी। 31 अगस्त को खेतों में संदिग्ध हालत में मिला था बालक का शव। 31 अगस्त 2024 को धौलपुर जिले के मनिया कस्बे स्थित टांडा रोड स्थित इंडियन गैस एजेंसी के पीछे खेतों में मिले बालक के शव के मामले की गुत्थी को सुलझाते हुए मनिया थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने पूछताछ में बताया कि बालक की गला घोंटकर हत्या की गई थी। मनिया पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए हत्या के आरोपी राकेश पुत्र फकीरा धोबी निवासी मनिया कस्बा को गुरुग्राम गुड़गांव हरियाणा से गिरफ्तार किया है, जिससे मामले में अभी और पूछताछ की जा रही है। बता दें कि 29 अगस्त को मनिया कस्बा निवासी एक 8 वर्षीय बालक विशांत उर्फ ईशु पुत्र किताब सिंह धोबी लापता हो गया था, जिसको लेकर बालक के पिता किताब सिंह काफी तलाश करने के बाद 30 अगस्त को मनिया थाने में गुमशुदगी व अपहरण का नामजद मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें मनिया थाना पुलिस ने तुरंत संज्ञान लेते हुए मामले की गुत्थी सुलझाने में जुट गई। उसी मामले में कार्रवाई करते हुए सफलता हासिल की है। मनिया थाना प्रभारी नरेश शर्मा ने बताया कि संदिग्ध हालत में मिले बालक के शव के मामले में गहनता से अनुसंधान व पूछताछ करते हुए हत्या के आरोपी तक पहुंचे और उसे गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी ने पूछताछ में बताया कि मृतक बालक आए दिन उससे गाली गलौज करता था, इसी बात के तैस में आकर उसे बहला फुसला कर ले गया और खेतों में सुनसान जगह बालक की गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस की कार्रवाई टीम में थाना प्रभारी नरेश शर्मा के साथ डीएसटी टीम के हेड कांस्टेबल दीनदयाल, बरेठा चौकी प्रभारी देवेश कुमार, एएसआई मोहनलाल, जलवीर सिंह, श्रीकेश और हेड कांस्टेबल चंद्रभान सिंह, प्रदुमन सिंह, राकेश कुमार, रविंद्र सिंह, पंटी सिंह, लोकेश कुमार, रामदास, महिला कांस्टेबल रंजना आदि शामिल रहे। प्रकरण दर्ज करवाया गया था दिनांक 31/8/2024 को टांडा रोड इंडियन गैस एजेंसी के पास में बाजरे के खेत में एक बच्चे की डेड बॉडी मिली, जिसकी शिनाख्त विवेक और ईशु के रूप में हुई। प्रकरण में आरोपी राकेश पुत्र फकीरा जाति धोबी निवासी मनिया को गुड़गांव से दस्तयाब कर गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम अभी पीसी रिमांड पर है, जिससे गहनता से पूछताछ एवं अनुसंधान किया जा रहा है।